Namaste ji, namaste. So before we start today, Muhammadun Law, basically Muslim law on divorce, the video is already up. Please check the playlist. I'll leave it in the comments below, in fact, rather the description. So today we are going for restitution of conjugal rights. This is not race course road. So समझ लेते हैं कि आपकी girlfriend या boyfriend, जिनके ऊपर आपने बहुत सारा पैसा खर्च किया हो, and then they just refuse to go on a date with you. आपकी रिलेशनशिप अभी भी वही है, यू हैव नॉट ब्रोकन अप, बट दे जस्ट से ना आई एम नॉट गोइंग टू गो आउट विद यू, सो दे वोंट गो टू लंचेस, डिनर्स, मूवीज और व्हाटएवर, यू नो द स्टैंडर्ड थिंग दैट मोस्टली कपल्स डू. Where do you go to? You cannot basically practically call the other person's parents or ask your parents कि डैडी इतना यार, इतना मैंने टाइम इन्वेस्ट किया हुआ है, इतना पैसा इन्वेस्ट किया हुआ है, इनको बोलिए चलिए, नहीं तो हमारी रिलेशनशिप का फायदा क्या. तो जब आप रिलेशनशिप के अंदर हैं, एज इन बिफोर योर मैरिज, तब तो आप कुछ नहीं कर सकते. बट आफ्टर द मैरिज यू हैव अ स्पेसिफिक रेमेडी विच इज कॉल्ड द रेस्टिट्यूशन ऑफ कॉन्जुगल राइट्स. नाउ व्हाट एग्जैक्टली आर दीज कॉन्जुगल राइट्स? दीज आर राइट्स दैट यू गेट एज सून एज यू टेक योर फेरस इन हिंदू लॉ ऑफ कोर्स. So as soon as those ceremonies are over, so you're conferred with a status that now you're married and now you have conjugal rights. Now what exactly is इनकी specific definition कहीं act में तो दे नहीं रखी, judgment के अंदर है. We will discuss all three case laws that we need to discuss regarding this topic. Before going to that, we need to discuss the ingredients and what are you going to mention in your answers. So you're going to mention section 9 of the HMA. You're going to mention that either the husband or the wife, so either party can apply. It's your their choice. Then without reasonable excuse, तो इसका मतलब ये है कि क्या with reasonable excuse बोले आप restitution के लिए against जा सकते हैं, या आप society second point है without reasonable excuse, as in आपने छोड़ा जो सामने वाले को, या आपने उनकी जो company जो छोड़ दी, company as in company वाली company नहीं, कंपनी वाली कंपनी, कंपनी बाग वाली कंपनी. तो अगर आपने उनके रीजनेबल एक्सक्यूज के साथ छोड़ दिया तो तभी सामने वाला आपके अगेंस्ट रेस्टिट्यूशन की रेमेडी के लिए कोर्ट के पास रिलीफ में जा सकता है कि प्लीज़ इसको वापस बुलाओ यार, ये क्या है, मैंने इससे शादी किस बात की करी थी कि ये दूसरी जगह जाके रह ले, कि मतलब अपना रही जाए और शादी भी हो ही रहे और मेंटेनेंस भी मुझे इसको देनी पड़ रही है, तो फिर मैं क्यों करूँ. तो विद रीजनेबल एक्सक्यूज के साथ क्या आप छोड़ सकते हैं? Yes, and what exactly is that reasonable excuse? वो कोर्ट डिसाइड करेगा. तो without reasonable excuse is a critical condition, और ये पहले नहीं होती थी, उसके बाद एक amendment हुई तो इस सेक्शन के अंदर ये लाया गया to avoid confusion. Petition डालनी पड़ती है, इसकी कोई FIR नहीं होती कि सामने वाला दौड़ गया, आपका जो पार्टनर है, बीड हस्बैंड और वाइफ की, वो तो जी चले गए, वो तो अपने घर में रह रहे हैं और आप जाके थाने में नहीं जा सकते. So you'll have to file a petition in the district court and not go to the थाना, क्योंकि थाने वाले कहेंगे, थाने वाले तो और मजाक उड़ा देंगे आपका कि यहाँ पे क्या हो रहा है. एंड देन यू आर प्रेइंग फॉर रेस्टिट्यूशन, दैट मीन्स रिस्टोर माई राइट दैट यू आर ऑलरेडी इंजॉइंग प्रायर टू दी ब्रेक डाउन हैपन. एंड ब्रेक डाउन शब्द मत यूज करेगा, क्योंकि ब्रेक डाउन वो आपके डिवोर्स के अंडर आता है. दिस इज जस्ट नॉर्मल वे ऑफ टॉकिंग. तो जब तक आपके रिश्तों में कोई दरार नहीं आई थी, दैट्स अ बेटर वे. तो उस स्टेटस को आप रिस्टोर कराना चाहते हैं, और कौन करा के देगा? ऑब्वियसली कोर्ट ही करा के देगा. And the court has to get satisfied on the truth of the statement. So in these family law matters, what happens is अब court आपके bedroom में जाके तो देख नहीं सकता, या court आपके घर में जाके तो देख नहीं सकता कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है. तो it has to be satisfied. So this is critical on the truth of the statement. So the more evidence you have, well, the better it is. And the court के यहाँ पे एक note कर लीजिएगा शब्द इस section के अंदर shall नहीं है, that shall grant restitution of conjugal rights. No, it may grant. तो even if it is satisfied या कुछ भी, उसके बाद भी पूरी मर्जी है कोर्ट साहब के पास कि it may still not grant, may or may not. It is not shall. So this is how you read law. अच्छा, reasonable जो basically आपका excuse या ये लेकर गया था कि जी मैं तो जी छोड़ रहा हूँ, मेरे पास जो है, मेरे पास मेरा जो रीज़न है इनको छोड़ने का, भाई साहब को इट इज़ रीजनेबल कि इट इज़ जस्टिफाइड. तो वो कौन प्रूव करेगा? जो कह रहा है कि इट इज़ जस्टिफाइड, कि भाई आप कह रहे हो ना, तो आप प्रूव कीजिए. हाउ आई वॉज टॉर्चरस टू यू, और हाउ इज क्रूल टू यू, हाउ आई डिडंट मीट योर नीड्स, बी इट फिजिकल, इमोशनल, मेंटल, फाइनेंशियल, बिकॉज दैट इज़ वॉट मैरिड कपल्स शेयर. नो, नाउ वी कम टू बेसिकली आपने मैंशन करना, दैट्स प्रीटी मच इट. These are the ingredients of the section. Kailashwati versus Ayodhia प्रकाश, तो ये तो कैलाश मानसरोवर पर्वत वर्सेस अयोध्या हो गया। तो ये तो थोड़ा बड़ा टेढ़ा मेढ़ा केस है और ये आपने ज़रूर मेंशन करना है। सो इन दिस केस बेसिकली वी वर डिस्कसिंग अबाउट वीकेंड मैरिजेज, यू नो द वीकेंड मैरिजेज जो आजकल होती हैं, सुना नहीं आपने? वैसे इस केस लॉ में आप सुन लेंगे वीकेंड मैरिजेस बेसिकली कि पति पत्नी सिर्फ वीकेंड्स पे मिले, बाकी टाइम दोनों अपना काम करते हैं मंडे टू फ्राइडे एंड देन सैटरडे संडे दे स्टे टुगेदर। What really happens on a long weekend? We really don't know. Don't mention long weekend. Marks काट लेगा वो. That's just a joke. तो दोनों जी टीचर्स थे। अब टीचर्स यूजली मतलब थोड़े बहुत तो होते ही हैं कि ज़्यादा जब आदमी पढ़ लिख लेता है उनका दिमाग थोड़ा सा सनकना शुरू हो जाता। तो they were villagers. Anyway, these are all jokes basically. Don't get into the emotional aspects of these. Even my mother is a teacher. Even I am a teacher. Anyway. तो बीवी जी अपने मायके ही रहना पसंद करती थी। हस्बैंड वाज एट सम प्लेस विच वाज आई थिंक 80 माइल्स अवे। फैक्ट्स आप अपने केस मैट या अपनी दुख की व्हाटएवर यू रेफरिंग टू उससे निकाल लेंगे बिकॉज आई यूजली डोंट गो इनटू मच फैक्ट्स। आई ओनली गो इनटू द रेलेवेंट वंस फॉर द पर्पस ऑफ राइटिंग माई आंसर, जिससे मुझे नंबर मिल जाए, क्योंकि उसके अलावा फैक्ट्स का क्या करोगे। तो हस्बैंड कहते हैं जी, हस्बैंड जी का आर्ग्यूमेंट था कि इसके अंदर बीवी बेसिकली आई शादी के बाद और उसके बाद अपने घर चली गई कि जी मेरी तो पोस्टिंग वही है, मैं तो अपनी नौकरी नहीं छोड़ूंगी तुम्हारे लिए। हस्बैंड वाज लाइक ब्लडी हेल यार, ये क्या बदतमीजी हुई कि आप अब शादी में मेरे से हो गई है, मेरी पत्नी भी रहेंगी और 80 माइल दूर अपने मकान में भी रहेंगी और कहेंगी कि नहीं नहीं मेरी तो नौकरी यहाँ है, बाकी तुम देख लो जो तुमने करना है। वॉट डज इट साउंड, फॉरगेट द लॉ, डज इट साउंड करेक्ट टू यू? Doesn't sound correct because otherwise what is the point of marriage? तो फिर शादी करी क्यों थी? सीधा डिवोर्स ले, छोड़ दो पति को, छोड़ दो ना, थोड़ी बेचारों की वैसे ही परेशान रहते हैं तो थोड़ी जान छोड़ दो। So they were basically a Saturday Sunday couple. Alright. Now the court went into the topic of what is the conjugal home. So conjugal home is again मैट्रिमोनियल होम, जहाँ पे आप दोनों जो आपकी छत है, कॉमन म्यूचुअल छत जिसके साथ आपने अग्री किया कि जी हम यहाँ पे बैठेंगे, यहाँ पे अपना जीवन व्यतीत करेंगे, बच्चे पैदा करेंगे और आगे अपना जीवन काटेंगे। तो व्हाट एग्जैक्टली इज अ कॉन्जुगल होम एंड हु डिसाइड्स कि ये कहाँ पर होगा? भाई ये भी तो चॉइस है ना कि कौन ये डिसाइड करेगा, पति डिसाइड करेगा, पत्नी डिसाइड करेगी, कौन डिसाइड करेगा ये कहाँ पर है? तो पत्नी जी ने जो अपना जो आर्ग्यूमेंट दिया था कि भाई मैंने इसको बताया था दैट आई एम अ वर्किंग वुमन बॉस, डोंट एक्सपेक्ट मी ना। अच्छा पति जी कह रहे हैं यार मेरे पास सब कुछ है, आपने जॉब करनी क्यों? व्हाट इज द पॉइंट ऑफ अ जॉब? मतलब आप जब नौकरी करते हैं एसेंशियली यू आर अ नॉकर ऑफ अ कंपनी, तो आप पैसे लेकर आते हैं ना वहाँ से, आप अपना टाइम देते हैं, वो आपको पैसे देते हैं। लेकिन अगर आपके पार्टनर के पास ऑलरेडी अब लेट अस से आपका पार्टनर 10, 15, 20 लाख रुपये कमा रहा है या कमा रही है, आपने क्या काम करना है? घर का काम देख लीजिए। One point of view, not my point of view. One point of view. So this is what the husband was saying. Here I can very well cater to you. Why do you need to do a job and you know stay away so far away from me? तो अब यहाँ पे the question was, and this question you must mention because the court took up 3 issues to answer. That who gives up the right? Whenever the husband or whenever man marries a working woman, does he give up the right to a conjugal home or to decide conjugal home? To decide a conjugal home, and then they went into what are conjugal rights. So enjoyment of association, sympathy, confidence, and company. Evolution, मैंने लिखा हुआ है कि evolution of your souls. Because if a good marriage happens, which is rare these days anyway, बट बोथ पार्टनर्स एक्चुअली इवॉल्व, तो वो म्यूचुअल सिनर्जी आ जाती है आपके अंदर। एंड आई एम अ बिग सपोर्टर ऑफ अ गुड मैरिज, बट यूजुअली आजकल आदमियों के भी कैरेक्टर्स ज़रा काफ़ी ढीले हैं और औरतें भी बहुत ज़्यादा हाइपर एग्रेसिव हो गई हैं, तो कुछ कह नहीं सकते कि क्या होता है क्या नहीं होता। लेकिन खैर बैक टू द लीगैलिटी इंस्टेड ऑफ मेकिंग इट नो ब्लॉग। कोर्ट ने कहा कि भैया ये बताइए कि क्या जब एक आदमी किसी वर्किंग वुमन से शादी करता है, डज ही गिव अप हिज राइट्स टू अ कॉन्जुगल होम? यही तो हो रहा है ना यहाँ पे, दैट वो आप कह रही हैं मैडम जी कि तुमको बोला था मैंने। तो डज दैट मीन इफ आई अग्री, लेट अस इन दिस गाय द मैन अग्रीज टू यू वर्किंग पोस्ट द मैरिज ऑल्सो, इज ही गिविंग अप द राइट्स टू अ कॉन्जुगल होम? वेल नो, द कोर्ट सेड नो, ऐसा नहीं होगा। जब आप शादी कर रही हैं, आपको मालूम है कि आपको अपना मायका छोड़ के सामने वाले के घर में जाना है या किसी थर्ड प्लेस में जाना है जिसमें आप दोनों, सामने वाला भी अपना घर छोड़ दे, आप भी छोड़ दें, व्हाटएवर योर एग्रीमेंट इज। यूजुअली यही होता है कि जो लड़की है या फीमेल है वो आपके घर पे आती है, विच इज़ द बिगेस्ट सैक्रिफाइस एक्चुअली इफ यू लुक एट इट। तो यहाँ पे कोर्ट ने कहा नहीं, तो दे रूल नेगेटिवली एंड शादी पे आपको घर बदलना है, ये आपको मालूम था। तो ये थोड़ा सा आप ये भी देखेंगे कि इस जजमेंट का टाइम, उस जमाने की जजमेंट है, तो ये आपको मालूम था। आजकल तो बहुत लोग आर्ग्यू कर देंगे ये क्या बोल रहा है जज। तो अभी वो जो अभी उस पॉइंट पे हम आएंगे दूसरे केस लॉ पे, विच इज हाँ ये स्वराज गर्ग वर्सेस KM गर्ग पे। तो ये आपको मालूम था तो नेगेटिव हो गया। कंसेंशुअल अगर आप करें कि आप एग्रीमेंट कर लेते हैं तो इट्स नॉट अ प्रॉब्लम। देन सेकंड में कि जी हस्बैंड ने इनकरेज करी एम्प्लॉयमेंट आपको, कि जी सामने कह रहे हैं हाँ प्लीज़ आप नौकरी कीजिए, हस्बैंड आपका काफ़ी प्रोग्रेसिव है, आप नौकरी कीजिए, उसमें क्या दिक्कत है। देन डज ही लीव द राइट टू कॉन्जुगल होम टू और टू डिसाइड द कॉन्जुगल होम, द कोर्ट सेड नो। थर्ड, जब यहाँ पे आप बात आती है इस सिनारियो की कि जी वाइफ ने आपकी एम्प्लॉयमेंट करी अगेंस्ट दी विशेज ऑफ द हस्बैंड एंड नाउ शी स्टेज फार अवे, तब क्या होगा। तो कोर्ट ने कहा कि भाई दो कंडीशन सेटिस्फाई करनी चाहिए मैट्रिमोनियल होम के लिए, कि जी घर जो होना चाहिए वह डिग्निटी होना चाहिए कि हस्बैंड प्रोवाइड करा पाए। भाई या तो अगर वो नहीं प्रोवाइड करा पा रहा, उसके पास कोई रिसोर्सेज नहीं है, तो ठीक है आप चले जाइए ना, फिर आपको पीड़ा में रहने की क्या ज़रूरत है। लेकिन वो डिग्निटी दे रहा है और एक्चुअल वो बोनाफाइड है, एक्चुअल वो बोनाफाइड मतलब जेन्युइन तरीके से आपकी केयर कर सकता है। ये नहीं कि सिर्फ आपको दुश्मनाई के लिए वापस बुला रहा है कि बस तू एक बार आ जाए यहाँ पे तो कमरे में सदा बंद करके रखूँगा। ऐसा मैं नहीं कह रहा हूँ, ऐसे एलाबोरेट कर रहा है। तो ये अगर दोनों चीज़ें सेटिस्फाई होती हैं तो द हस्बैंड एक्चुअली कैन और रादर विल डिसाइड द कॉन्जुगल होम। सिर्फ इस जजमेंट में ऐसा हुआ, अभी इससे टोटली उल्टा चीज़, हम आगे चलते हैं। तो आपने ये सेक्शंस कोट करने कि एक्चुअल में क्या है कि सेक्शन 18 ऑफ हिंदू एडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट एंड सेक्शन 125 CRPC के अंदर जी, अब हिंदू एडॉप्शन मेंटेनेंस एक्ट के अंदर भी आपको हस्बैंड साहब ने मेंटेनेंस तब तक देनी है जब तक आप रीमैरिड या अनचास्ट ना रहें, तब तक आपको वो हस्बैंड फॉर लाइफ टाइम देगा मेंटेनेंस। अगर आपका ऑफ कोर्स आपका डिवोर्स नहीं हुआ, और डिवोर्स की तो खैर कंडीशन दिल है, डिवोर्स में नहीं जाते। अभी सेक्शन 125 CRPC के अंदर आपको मेंटेनेंस मिलेंगी प्रोवाइडेड दैट देयर इज नॉट विलफुल नेग्लेक्ट एंड देयर आर अदर कंडीशंस, बट यू प्लीज डू मेंशन बोथ ऑफ दीज सेक्शंस इन योर आंसर एंड रीड बोथ ऑफ दीज सेक्शंस फॉर योर। इसके साथ आप एक दो बुलेट पॉइंट निकाल लेंगे, मुझे मालूम है इतना आप ज्ञान आपको आ गया है कि लॉ के अंदर क्या करना है। तो दो सेक्शंस ये आपने मेंशन करने हैं और दो सेक्शन में से एक दो पॉइंट प्लीज जरूर मेंशन कर दीजिएगा, इट विल रियली रियली बूस्ट अप योर आंसर। तो अब इन्होंने कह दिया कि लोकस ऑफ द मैरिड होम इज विद द हस्बैंड एंड जो सेक्रमेंट है, तो आपके प्रोफेसर ने आपको बताया होगा कि हिंदू मैरिज को हम सेक्रमेंट की, इट्स समथिंग सेक्रेड, समथिंग डिवाइन, विच एक्चुअली इट इज। ट्रबल अब कलयुग चल रहा है, अब कौन सा सेक्रेड कौन सा डिवाइन। तो अब उन्होंने भी, जज साहब ने कहा कि उस आइडियोलॉजी या उस थॉट प्रोसेस को थोड़ा सा हमें बाय बाय करना पड़ेगा। और जॉब तो हस्बैंड कहते लगे यार इतनी कौन सी नौकरी की ऑब्सेशन, लाइक फॉर एग्जाम्पल आजकल ये बहुत ज़्यादा है कि नहीं मेरे को जॉब करनी है, आई विल प्रूव इट टू द वर्ल्ड। होम एग्जैक्टली आर यू प्रूविंग इट फॉर इफ रियली वन ऑफ योर पार्टनर्स इज अर्निंग, एंड आई एम टॉकिंग अबाउट बोथ द जेंडर्स। तो इसीलिए अपना दिमाग लगाना चाहिए कि कौन सी फिलोसफी कहाँ पे अप्लाई हो रही है। तो कोर्ट रूल्ड इन फेवर ऑफ द हस्बैंड, और कोर्ट ने ये भी कहा कि भैया तुमने तो उसका सारा यूथ, द बेस्ट ईयर्स ऑफ लाइफ ऑलरेडी आपने ख़राब कर ही दिए हैं, तो अब आके देख लो, तो RCR दे दो इनको, हस्बैंड जी को। अब बीवी जी आए ना आए वो तो बीवी जी के ऊपर डिपेंड करता है। अब दूसरे साइड ऑफ द एंगल देख लेते हैं, विच इज स्वराज गर्ग वर्सेस KM गर्ग। सो बिफोर एंड आफ्टर जॉब कि घर कहाँ होगा। अब लेट अस से अ कपल मैरीज, लाइक फॉर एग्जांपल इफ आई मैरी समवन फॉर एग्जांपल फ्रॉम साउथ दिल्ली and we are not very clear where exactly are we going, because I stay in North Delhi, the other person stays in South Delhi, and we are not exactly very clear as to where our conjugal home will be, then we need to refer to this case law basically. कि अब हुआ क्या है इसके अंदर कि जी एक सोनम में बैठी हुई थी, एक दिल्ली में बैठे हुए थे, तो इनका काफ़ी शादी वादी हो गई, तो थोड़े टाइम के लिए आई थी बीवी जी, लेकिन हस्बैंड वॉज अब्रॉड एंड देन शी लेफ्ट बैक फॉर सोनम, आफ्टर विच द हस्बैंड फाइल फॉर एंड RCR कि भाई इसको वापस बुलाओ, ये क्या बात हुई, ये मेरे घर में नहीं रहेगी, अपने घर में रहेगी, तो शादी का फ़ायदा क्या हुआ। अब कोर्ट ने भी ऑब्जर्व किया कि भाई अब प्यार वगैरह पे तो शादियां नहीं टिकती ना, बिकॉज आफ्टर द इनिशियल फेज ऑफ दैट एक्साइटमेंट, जैसे हमारा नया नया आईफोन आता तो हम पहले उसको प्लास्टिक में चढ़ा के रखते हैं, नीचे नहीं रखते, और 6-8 महीने में लगता है गिर भी गया, अच्छा क्या फर्क पड़ रहा है। तो आपको रोटी कपड़ा मकान के बारे में तो सोचना है ना। एंड इन दिस केस द हस्बैंड, देयर वाज अ लॉट ऑफ एविडेंस ऑन रिकॉर्ड एंड विच द हस्बैंड वाज सेइंग कि भैया मेरे पास तो नहीं है, मेरे पास तो पैसे नहीं है, मैं तो भूखा नंगा हूँ, जो करना है तुमने करना है, मेरी तो सैलरी भी इनफ नहीं है। तो वो वाले फैक्ट्स जरा आप अपने केस मैट से निकाल लीजिएगा। तो अब इसके अंदर हस्बैंड साहब के जो वकील साहब थे, दे वेंट इनटू कैलाश वर्सेस अयोध्या, बेसिकली कैलाश वर्सेस अयोध्या प्रसाद। डोंट गेट ऑफेंडेड इफ यू आर इनटू ऑल ऑफ दिस, मैं भी कैलाश हो गया है, वो ऐसी कोई चिंता की बात नहीं है। तो दे रिलाइड ऑन दिस डिसीजन एंड इट वाज नॉट फॉलोड, सो द कोर्ट सेड नो सॉरी, वी डोंट एग्री विद व्हाटएवर दीस गाइस हैव सेड दैट द वुमन हैज नो से इन डिटरमाइनिंग व्हाट अ मैट्रिमोनियल होम इज। सो see how an evolution of a timeline or different courts, they keep on saying different things, that is why it's impossible to predict litigation. तो कोर्ट ने कहा भैया देखो आर्टिकल 14 भी है, इक्वालिटी चाहिए ना हमें, ये आप कैसे कह सकते हैं सिर्फ पति देव डिसाइड करेंगे, तो थोड़ी सी हमें इक्वालिटी भी चाहिए। देन हस्बैंड वैसे ही भूखा नंगा था और भी उसको देवर रिटन, मतलब रिटन एविडेंस उसके अंदर उन्होंने प्रोड्यूस किया बीवी जी ने कि ये देखो जी ये तो कह रहा था तुम आओ, ये पैसा चाहिए तुम्हारा, मैं कैसे जिंदा रहूंगा, ये है वो है। तो फिर बीवी को मैं, कोर्ट ने ये डिसाइड किया कि मैं फिर रेस्टिट्यूशन किस बात पे कराऊँ, मतलब बीवी को और पीड़ा मिले इस बात पे कराऊँ। तो वाइफ तो अपने कंफर्ट में, तो फिर RCR हम क्यों दें, एंड वाइफ हैज एन इक्वल राइट थैंक्स टू 14। ये थोड़े ना है कि सिर्फ हस्बैंड जी डिसाइड करेंगे दैट वाइफ हैज नाउ बेसिकली गिवन अप हर लाइफ एज सून एज द फेयर्स आर डन, नो नथिंग लाइक दैट। सो RCR क्यों दें, इन दिस केस वाइफ वन, सो हस्बैंड वन वाइफ वन। दे कम टू सरोज रानी वर्सेस सुदर्शन कुमार। हाँ मुझे लग रहा था मैंने सुंदर की जगह सुधर लिख दिया, सुदर्शन कुमार। तो वाइफ ने RCR के लिए अप्लाई किया हुआ था, उनकी 2 बेटियाँ थी एंड द सेकंड डॉटर डाइड। तो हस्बैंड ने क्या किया कि अब RCR उनके फेवर में पास हो गया बीवी जी के, एंड देन शी सेड कि मैं 2 दिन के लिए गई थी बट ही स्टार्टेड टॉर्चरिंग मी अगेन। सो देयर आर लॉट ऑफ फैक्ट्स, देयर आर लॉट ऑफ मटेरियल फैक्ट्स दैट यू कैन एलैबोरेट, आई एम जस्ट गोइंग फॉर द क्रक्स ऑफ द मैटर। तो हस्बैंड ने जब 1 साल निकल जाता है, जब RCR कंप्लाई ना हो तभी यूजली लोग वो RCR के लिए फटाफट अप्लाई कर देते हैं, डिवोर्स का एक टैक्टिक है ये, बिकॉज द लॉ अलाउज इट। यहाँ पे आपने एक ज़रूर सेक्शन मेंशन करना है विच इज़ 23। 23 इज़ बेसिकली, मैं उसको लगाता हूँ, मैं उसको बोलता हूँ कि ब्रेक लगाओ सेक्शन है वो इस एक्ट का। क्यों? क्योंकि 23 के अंदर यू कैन नॉट टेक एडवांटेज ऑफ योर ओन रॉन्ग, सो द कोर्ट कैन बार यू फ्रॉम टेकिंग एनी रिलीफ, सो 23 इज द लिमिटर सेक्शन। तो वाइफ को RCR मिली, तो हस्बैंड जी ने 1 साल के बाद कह दिया देखो जी RCR तो मैं तो कह ही रहा था कि आ जाए, अब 1 साल भी हो गया, 1 साल भी नहीं आए, तो मैं कब तक वेट करूँ, मुझे आप डिवोर्स की डिग्री बेसिकली पास करके दीजिए। तो वाइफ ने कहा इसके अंदर कि जी नहीं ये तो झूठ बोल रहा है, ही वॉज अगेन टॉर्चरिंग मी एंड दिस एंड दैट, बेसिकली शी केम अप विद लॉट ऑफ स्टोरीज विच आर नॉट एग्जैक्टली वेरी एडिक्वेटली प्रूवन इन कोर्ट। तो वाइफ ऑल्सो सेड कि देखो जी ये तो इन्होंने टैक्टिक खेला है, पहले इन्होंने RCR ले ली, RCR के आने के बाद तो मतलब 1 साल भी हो गया, अब 1 साल ये कह रहे हैं जी लैप्स हो गया, इसलिए फटाफट मुझे डिवोर्स दो, मुझे शुरू से डिवोर्स देना चाहते थे। तो अब कोर्ट ने कहा कि अच्छा, एंड देन वन मोर आर्ग्यूमेंट वाज कि ये देखिए जी ये तो खुद ही आदमी गलत है, 23(1)(a) के अंदर ही इज टेकिंग हिज एडवांटेज ऑफ हिज ओन रॉन्ग, तो आप बेसिकली ये नहीं करा सकते, आप इससे डिवोर्स की डिग्री कैसे पास कर देंगे, ऐसा नहीं हो सकता। सो द कोर्ट अगेन वेंट इनटू द सेम लाइन ऑफ आर्ग्यूमेंट्स कि यार जब रहना ही नहीं तुमने साथ में, तो फिर एक शादी का टाइटल रख के क्या करना, और मेंटेनेंस तो वैसे भी मिलनी है तुम्हें। एंड द कोर्ट वेंट इनटू दिस दैट बेसिकली ये आपका जो सेक्शन 9 है इज द कोडिफिकेशन ऑफ रूल 32 ऑर्डर 21 ऑफ CPC, बेसिकली व्हाट हैपेंस व्हेन समबडी डज नॉट फॉलो RCR, बिकॉज दे वेंट इनटू द आर्गुमेंट, द वाइफ साइड वेंट इनटू ये सेक्शन 9 होता क्या है, तो बेकार है, तो दिस वायलेटेड ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। सो द कोर्ट साइड नहीं भैया CPC का कोडिफाइड है, ऐसा कुछ नहीं है, इसमें कॉन्स्टिट्यूशन की कोई दिक्कत नहीं है, देयर वर केस लॉज इन सपोर्ट। सो सम कोर्ट्स हैड सेड ये सेक्शन 9 होता क्या है, हाउ कैन वी ऑर्डर कि भैया जाके रहो उसके साथ, हमारा कोई लेना देना नहीं। लेकिन इस केस में कोर्ट ने क्लियर कर दिया कि भैया वैलिड है, एंड थैंक्स टू द हिंदू फिलोसफी एंड द सेक्रमेंट एंड क्वाइट लॉट ऑफ अदर जूरिस्प्रूडेंस दैट इज देयर बिहाइंड दिस लॉ, दिस इज वैलिड। 23(1)(a) वाला आर्ग्यूमेंट कोर्ट ने एक्सेप्ट नहीं किया, बिकॉज वही बात है एविडेंस की। ये बात याद रखिएगा बीइंग सैटिस्फाइड, ये बहुत बड़ी टर्म है लॉ में, मतलब ये लगती बड़ी छोटी सी है, हाँ बीइंग सैटिस्फाइड, ये इसकी बहुत बहुत वाइड एम्बिट है। खैर इसके फैक्ट ज़रूर इलाबोरेट कर लीजिएगा, एंड व्हाट आई मे हैव सेड मे नॉट एग्जैक्टली बी एक्यूरेट ऑन पॉइंट बिकॉज आई एम फोकसिंग ऑन द क्रक्स, बट दिस इज मोर लाइकली व्हाट हैपन। तो हस्बैंड को कह देगी भैया डिवोर्स ले लो। तो यूजुअली कई ये तो मतलब ये आदमी शायद इस केस में सही था नहीं था, आई रियली डोंट नो, बट काफ़ी लोग हस्बैंड को ये हस्बैंड इनफैक्ट काफ़ी लोग हस्बैंड की साइड पे यही करते हैं कि फटाफट एक आरसीआर ले ली कि हाँ जी बीवी को वापस भिजवा दीजिए, बीवी गई हुई है, आई विल टेक केयर ऑफ हर। फिर एक साल बीत जाता, आने तो देते नहीं, क्योंकि कोर्ट उस टाइम आएगा तो नहीं ना, दो कॉन्स्टेबल वहाँ पर खड़े नहीं होंगे, आने देते नहीं उसको, मतलब सामने वाली अपनी वाइफ को, स्पाउस को। तो उसके बाद फटाफट जैसे एक साल बीतता है फटाफट डिवोर्स के लिए अप्लाई करते हैं। तो दिस इज़ अ कॉमन टैक्टिक इन फैमिली कोर्ट्स, वेन एवर यू गो टू प्रैक्टिस यू विल फाइंड अ लॉट ऑफ केसेस। तो उसी के अंदर फिर 23A का डिफेंस लिया जाता है और ये कहा जाता है कि क्या बदतमीजी है, हाउ कैन यू टेक एडवांटेज ऑफ हिज ओन वेरी रॉन्ग। सो इन दैट ऑल्सो यू नीड टू प्रूव कि जी आप वाकई में वहाँ पे आपने जाने की कोशिश करी थी या कुछ भी। अब क्या है इसी सब चीज़ का एविडेंस चाहिए ही चाहिए, नहीं तो फिर जज के, नहीं तो फिर अच्छा वकील कीजिए जो जज को कन्विंस कर पाए कि आप का सच ही सच है, सामने वाले का सच झूठ है। एंड क्रिएटिंग अ डाउट इन द माइंड ऑफ द जज इज बेसिकली गुड एडवोकेसी, राइट। सो होपफुली इट इज क्लियर क्या क्या हुआ। यहाँ पे डिसीजन नहीं फॉलो किया गया, ओवरटर्न नहीं किया गया, बट डिसीजन नहीं फॉलो किया गया। And then this was a completely separate matter altogether. CPC mention करेंगे, section 23 mention करेंगे, section 9 mention करेंगे, 18 mention करेंगे, 125 CRPC mention करेंगे, अपने 20 नंबर लेके जाएंगे और खुश रहेंगे। And that's it. So if you like this, consider supporting the channel. The link is in the description. Just put in a review on Google. That's about it. Basically, that helps me out a lot. Alright, do take very good care of yourself. All the very best for your examination. Bye-bye.